हे ट्यूब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक बहुत अच्छी न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो है इंडियन एयर फोर्स ने 10 लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू कर दिया है जो कि 2022 में स्पेस में जाएंगे। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना स्पेस स्टेशन अलग से बनाएगा और 2022 तक वो ये कर लेगा। तो इंसान को स्पेस में भेजेगा इंडिया और उनमें 10 लोग जो होंगे वो एयरफोर्स सेलेक्ट करेगा। वॉलेंटियर इसमें कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको 3 स्टेज के टेस्ट से गुजरना होगा। इस 3 स्टेज के टेस्ट से जो गुजरेगा, इसमें एक टफ मेडिकल टेस्ट होगा और दूसरे प्रोसेस होंगे, वो लोग सेलेक्ट होंगे स्पेस में जाने के लिए। इंडियन फोर्स ने ये 10 लोगों की टीम सेलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोग मेल होंगे और 3 लोग फीमेल होंगे। तो इसमें जो पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट की क्वालिटी रखते होंगे, उन लोगों को वहां पे भेजा जाएगा और सेलेक्ट किया जाएगा। इंडियन एयर फोर्स एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने MOU साइन किया 29 मई को एक क्रू सिलेक्शन का, जो कि स्पेस में भेजने हैं। और ये एग्रीमेंट साइंड हुआ है असिस्टेंट ऑफ चीफ एयर स्टाफ स्पेस ऑपरेशन एंड एयर वाइस मार्शल RGK कपूर एंड द गगनयान प्रोजेक्ट डायरेक्टर R. Hutton इन द प्रेजेंस ऑफ इसरो चेयरमैन K. Sivan। सो ये सारा प्रोसीजर शुरू हो रहा है। इसरो चाहता है कि 2022 तक हम इंसान को स्पेस में भेज दें और इंडिया अपना एक स्पेस स्टेशन वहां पे बना ले, और 2022 में हमारा 75वां आजादी का वर्षगांठ होगा। और ये 2018 में अनाउंसमेंट हुआ था कि हम 2022 तक स्पेस में इंसान को भेज देंगे। अगर इंडिया ये कर पाता है 2022 तक, तो स्पेस में इंडिया की मौजूदगी होना वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया के सुपर पावर बनने का। और अभी बहुत कम कंट्रीज, अमेरिका, रसिया एंड चाइना, इस तरह के कंट्रीज ही स्पेस में मौजूद हैं। और स्पेस में अगर इंडिया की मौजूदगी होगी तो वर्ल्ड में इंडिया एक सुपर पावर होगा और आगे इंडिया बहुत बड़ी पावर की तरह उभरेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।